अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मजे में होंगे। और बताएं कैसी गुजरी आप लोगों की ईद और क्या कुछ खाया आप लोगों ने? और क्या क्या कहाँ कहाँ सैर करने के लिए गए आप लोग? या फिर घर ही बैठे रहे और बोर ही होते रहे और सोते रहे और खोते रहे। भाई दिल बेचारा का नया सॉन्ग आ चुका है तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बना ली जाए। तो जो नया सॉन्ग आया है उसका नाम है मस्परी और सुशांत सिंह की जो है वो लास्ट फिल्म थी ये जो जिसका सॉन्ग आया है। तो और आप सबको पता ही है कि फॉल्ट इन आवर स्टार्स का जो है ये इंडियन रीमेक था तो आज हम इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, अभी मैं देखूंगी तो फिर ही मुझे आइडिया होगा। इन लोगों ने ही मुझे बताया कि नया गाना आ चुका है। असल में मैं तो इतनी बिजी थी कामों में, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, सर खुजाने का भी टाइम नहीं मिला। तो बस अभी तक वो बर्तन छर्तन नहीं संभाल रही थी मैं, तो इन्होंने कहा चलो वीडियो बना लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं वीडियो कैसी है और सॉन्ग कैसा है। स्टार्ट तो काफी अच्छा म्यूजिक है। आपके साथ सुशांत की पुरानी यादें जो सी है ना हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो इनके जो फॉलोवर्स और इनके चाहने वाले हैं उनको तो देख के खुशी भी होगी और थोड़ा सा उदास भी होंगे। वो संजना नाम, सुनिधि, काफी टाइम के बाद आई है सुनिधि चौहान जो है। हाँ। मुस्कान की फुलझड़ियां कर ले मस्खरी, थोड़ी मस्खरी, अच्छा खासा काम मस्खरी, पॉकेट में बदनाम मस्खरी। मेरे ख्याल में शान है शायद, मुझे भी वही लगा। ठंडी कुल्फी से यार रहमान का सारा म्यूजिक है। की वीडियो से मुझे बिल्कुल वो संजू का जो गाना था मैं बढ़िया तू भी बढ़िया उस टाइप की फील्स आई हैं। सारा जो जिस तरह से गेटअप है सुशांत का बिल्कुल वो रणबीर कपूर वाला, वही मूछे लगाई हैं उसी तरह से। बीमार ही हैं और सब कुछ है लेकिन अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि दो दिन की जिंदगी है, कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं, तो जितनी है लाइफ उतनी एंजॉय कीजिए। कैंसर होता है ना इसे। ओके। मैंने फॉल्ट इन आवर स्टार्स देखी है, ये तो अभी देखी नहीं है, अभी पता नहीं है पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल है या नहीं। बहरहाल फॉल्ट इन आवर स्टार्स तो मेरी फेवरेट मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी थी। मिटा खुजली कर ले मस्करी, थोड़ी मस्करी, अच्छा खासा। सुनिधि तो वैसे ही जितने भी नॉटी सॉन्ग्स होते हैं खास तौर पे उनके लिए तो बेस्ट है सुनिधि। बिल्कुल, उनकी आवाज में एक चंचल पान है ना, शोक सा। पीड़ा हरी बाम मस्करी, यहाँ सॉन्ग एंड को पहुंच चुका है, बल्कि एंड हो चुका है सॉन्ग का। तो काफी इंटरटेनिंग सॉन्ग था, काफी मजे की स्टोरी थी और सॉन्ग भी बड़ा चुलबुला सा था। लाइफ बस एंजॉय करें और करते चले जाए। हाँ, और सिंगर्स भी बहुत अच्छे थे, सुनिधि और शान वैसे ही इस तरह के गाने बहुत अच्छे गाते हैं। और बहुत टाइम के बाद इन लोगों की आवाज हमने सुनी है। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। दोनों को सुनने का, और उसके साथ साथ जो सुशांत के मेरे ख्याल है जो फैंस हैं उसी की वजह से, शायद इनकी डेथ की वजह से भी इतने ज्यादा और फॉलोअर्स जो है वो इनके बढ़ चुके हैं। और डेथ के बाद जो है वो इस मूवी को भी काफी ज्यादा व्यूज मिले हैं और मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि मेरा ख्याल है मोस्ट व्यूड मूवी बन चुकी है दिल बेचारा। तो वो भी है और उसके साथ साथ ये गाने जो इसके हैं वो भी बहुत अच्छे हैं।
स्टोरी तो वैसे ही इसकी बहुत जबरदस्त है 14 आवर स्टार्स का, क्योंकि बिल्कुल वो सेम स्टोरी है, बहुत अच्छी मूवी है। तो ओवरऑल हमें तो ये गाना बहुत ही पसंद आया है, बहुत और अच्छा इसकी लगा है, बहुत प्यारी लगी है, बहुत मजे की लगी है और लग रहा है कि मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह हम लोग भी जरूर इस मूवी को देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आप लोगों ने जिस जिसने ये मूवी देख लिया या देख रही है उन्हें वो मूवी भी बहुत पसंद आएगी। और जिन लोगों ने ये मूवी देख ली है वो भी ये बताएं कि क्या इन दो जो अदाकार हैं उन्होंने जस्टिस किया है इस रोल के साथ, क्योंकि 14 आवर स्टार्स बहुत ही जबरदस्त मूवी है और जो फॉरेन एक्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई है, तो इन्होंने कैसी एक्टिंग की है उसके हवाले से भी हमें जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।